जिला कलेक्टर गौरव गोयल के पद स्थापन के बाद गुरुवार को जिला कलेक्टर आरती डोगरा ने पदभार संभाला। वहीं पूर्व जिला कलेक्टर गौरव गोयल को विभिन्न विभागों की ओर से सम्मानित किया गया और उनके काम की सराहना करते हुए उन्हें विदाई दी गई। जिला कलेक्टर आरती डोगरा ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए शहर को स्मार्ट बनाने के काम जल्द पूरा करने की बात कही। वहीं सभी परिवादियों की समस्या का निस्तारण जल्द हो, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। जी हाँ, मैंने पहले उपखंड अधिकारी ब्यावर के तौर पर सेवाएं दी थी अजमेर में, और आज अभी चार्ज लिया है। प्राथमिकताएं डेफिनेटली एक बार सभी अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके तय होंगी, बट मुख्य तौर पर जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, राज्य सरकार के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो, समयबद्ध निस्तारण हो, जनता की जो भी इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकें सबको साथ लेकर, ये मुख्य प्रायोरिटीज। स्मार्ट सिटी को लेकर मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें किस तरीके का आपका काम है? ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम हो चुका है। अभी मेरी जो कलेक्टर रहे हैं उनसे काफ़ी डिटेल चर्चा हुई है सभी प्रोजेक्ट्स की, और जो काम अच्छे चल रहे हैं उनको अच्छे से कंटिन्यू करना, और मेन चीज़ ये है कि टाइम बाउंड हम अचीव कर सकें जो गोल्स हैं वो रहेगा। खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले, पिज अपॉइंटमेंट कुछ खा पी ले, टेस्टी एंड अफोर्डेबल। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।